नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का प्रयास तेज, मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सरकार ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के निकटवर्ती देशों में भेजने का निर्णय लिया है। इनमें हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह शामिल हैं, जो यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ छात्रों की निकासी के लिए समन्वय बनाने का काम करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बुडापेस्ट से छठी उड़ान के जरिए 240 भारतीयों को दिल्ली लाया जा रहा है। इससे पहले 249 भारतीय छात्रों को लेकर 5वीं फ्लाइट दिल्ली पहुंची। अब तक 1100 से ज्यादा भारतीय छात्रों को यूक्रेन से लाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन से लगे 4 देशों में कंट्रोल रूम खोले हैं। यूक्रेन में भारतीय छात्रों पर सुरक्षा बलों का हमला, डंडों और लात घूसों से की पिटाई। यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच भारतीय छात्रों के साथ वहां की पुलिस की बर्बरता सामने आई है। रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर पर भारतीय छात्रों पर सुरक्षा बलों ने डंडे बरसाए हैं। यूक्रेन में फंसे पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल आदि के छात्रों ने इस बर्बरता के वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इन वीडियो में यूक्रेन पुलिस की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। पुलिस के जवान भारतीय छात्रों को लात घूसों से मार रहे हैं। भारतीय छात्रों को टॉर्चर किया गया है। जिन लोगों को दमा की शिकायत थी, उनका मुंह बंद करके दिखाया गया कि वह किस तरह से ब्रीथलेस हैं। रात 12 बजे बॉर्डर के चेकिंग पॉइंट्स पर गार्ड्स ने कहा कि हंटर गेम खेलने के बाद ही वीजा मिलेगा। इस दौरान भारतीयों की पिटाई की गई। यूक्रेन में संघर्ष तेज, ज़ेपोरोजी न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद संघर्ष तेज हो गया है। रूस ने यूक्रेन के ज़ेपोरोजी न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे का दावा किया है। कीव और खारकीव में कई धमाके हुए हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन में बातचीत के बीच कीव में हालात में कुछ सुधार हुआ है। रूस ने कहा कि कीव से लोग आराम से बाहर जा सकते हैं, तो वहीं यूक्रेन ने कर्फ्यू हटा लिया है। लोगों को कीव से बाहर निकालने के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि बेलारूस भी अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए सबसे कठिन होने वाले हैं। यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने की लूटपाट, बैंक का लॉकर तोड़ा, दुकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन के खिलाफ जारी हमले के बीच रूसी सेना के जवान लूटपाट भी कर रहे हैं। खारकीव पर कब्जा करने के बाद रूसी सैनिकों ने एक बैंक को लूट लिया और लॉकर तोड़ दिए। इसके साथ ही रूसी सैनिकों ने डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसकर सामान लूट लिया और चले गए। यूक्रेन में तबाही का मंजर साफ नजर आने लगा है। बाजार, होटल आदि सब बंद हैं। कोई बंकर में रह रहा है तो कोई मेट्रो स्टेशन के नीचे छिपकर रात गुजार रहा है। बाहर चारों तरफ बम धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आग व धुआं फैला है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं और केवल सैनिक वाहन नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच गूगल का बड़ा फैसला, बंद किए कई टूल। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में टेक कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। इस बीच गूगल ने बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन में गूगल मैप्स के कुछ टूल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। गूगल मैप्स पर यूजर्स को ट्रैफिक के हालात की लाइव जानकारी मिलती है, जिसे गूगल ने यूक्रेन में बंद कर दिया है। गूगल के अनुसार इस फीचर को यूक्रेन के लिए डिसेबल कर दिया है। गूगल ने यह कदम आम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया है। इससे पहले यूट्यूब ने रूसी मीडिया आरटी समेत कई रूसी चैनल की कमाई पर रोक लगा दी थी। फेसबुक ने भी रूस पर इसी तरह की कार्रवाई की है। रूस यूक्रेन युद्ध से टूटा शेयर बाजार, अधिकांश शेयरों में बिकवाली की स्थिति। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते युद्ध से भारतीय शेयर बाजार ने लाल निशान के साथ शुरुआत की। हफ्ते के पहले दिन इंडेक्स 1.31% की गिरावट के साथ 55,125.62 के लेवल पर खुला। इसी के साथ निफ्टी में भी 1.27% की गिरावट दर्ज की गई और यह इंडेक्स 16,500 के नीचे खुला। इस दौरान 626 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि 1,462 शेयरों में बिकवाली की स्थिति रही। आज के कारोबारी सेशन में गेल इंडिया टॉप गेनर के तौर पर दिखाई दिया, तो निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट में टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, बजाज फाइनेंस और टाइटन जैसे शेयर रहे। मणिपुर विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए डाले गए वोट, सीएम ने किया जीत का दावा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ। पहले चरण में इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, चूरा चांदपुर, विष्णुपुर और कांगपो कपी समेत 5 जिलों के 48 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। इसी के साथ 173 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की कतारें नजर आईं।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और डिप्टी सीएम व उरी पोक्सो उम्मीदवार युमनाम जय कुमार सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जीत का दावा किया। सीएम और बीजेपी उम्मीदवार एन बीरेन सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के 75% मतदाता बीजेपी को वोट देंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।